नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। सर्वप्रथम तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें श्रवण करने के लिए। एक निवेदन जरूर करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि समय समय पर मेरे द्वारा ऐसी कुछ जानकारियाँ दी जाती हैं जो व्यक्ति विशेष के काम आ सके, उससे उसका कोई कार्य सिद्ध हो सके, तो ये बहुत अच्छा होगा, बड़ी प्रसन्नता का विषय होगा। तो इसलिए जानकारी प्राप्त होती रहे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे अक्षय नवमी, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ती है, उसको अक्षय नवमी कहा जाता है। अक्षय नवमी की महत्ता क्या है, विशेषता क्या है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। अक्षय नवमी ज्योतिष शास्त्र के जो 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं उन मुहूर्तों में से एक है, जैसे अक्षय तृतीया, विजयदशमी और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उसी प्रकार से कार्तिक शुक्ल की नवमी भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त में से एक है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त की अलग से आवश्यकता नहीं होती है और इस दिन दिए गए दान का, किए गए पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय नाम ही इसका अक्षय है, इसलिए इस दिन किए गए धार्मिक कृत्य का कभी क्षय नहीं होता है, पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय नवमी को विशेष क्या किया जाए, किस तरह से इसका लाभ लिया जाए, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, क्योंकि अक्षय नवमी को धात्री नवमी कहा गया है, कूष्मांड नवमी कहा गया है और आरोग्य नवमी भी कहा गया है। कई नाम हैं इसके, कई नामों से जाना जाता है। खास करके इस दिन आंवले की पूजा करने से व्यक्ति के नाना प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव का एक साथ वास होता है, लक्ष्मी जी भी उसकी आराधना करती हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का कोई व्यापार नहीं चल रहा है या कहीं पर धन फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, तो वो इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके 108 परिक्रमा करे और उस पूजा के फलस्वरूप, उस परिक्रमा के फलस्वरूप उसका व्यवसाय भी चलने लगेगा और साथ में रुका हुआ धन जो है वो वापस मिलने लगेगा, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एक साथ तीनों देवताओं का वास होता है आंवले के वृक्ष में। इसके अलावा विशेष करके जो संतान की, जिनको कामना है संतान की कामना के लिए भी ये बहुत फलदायी है। इस दिन संतान की कामना के लिए भी इस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और आंवले के वृक्ष के नीचे परिवार से स्वयं ब्राह्मण को भी भोजन कराए और स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से बहुत आनंद गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है, संतान की कामना भी उसकी पूर्ति होती है। कई लोग हैं जो संतान की कामना के लिए तमाम प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, काफी विलंब हो जाता है, तो इस प्रकार से अगर इस अवसर का लाभ लें तो उनकी संतान की कामना जरूर पूरी होगी। और सबसे खास बात यह है कि जिस किसी व्यक्ति को कोई अस्थाई रोग है, किसी को परेशानी है, खास करके वो युवा पीढ़ी में छोटे छोटे बच्चों को कोई परेशानी हो जाती है, स्थिर रोग हो जाता है, तो अक्षय नवमी के दिन अगर कद्दू दान किया जाए, क्योंकि इसको कूष्मांड नवमी कहते हैं
और इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था और उसी दैत्य के अंग से कुष्मांड की बेल, जो कद्दू की जो बेल उत्पन्न हुई थी। तो आज के दिन कद्दू दान करने का विशेष महत्व है। कद्दू दान करने से भी आरोग्यता प्राप्त होती है। कद्दू दान किस प्रकार से करना चाहिए? उसमें गुप्त रूप से सुवर्ण या चांदी यथा श्रद्धा अनुसार यथा सामर्थ रख करके और इस दिन उसका दान करना चाहिए। ऐसा करने से अस्थाई रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस बार अक्षय नवमी 5 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। मंगलवार को पड़ने से ये और भी ज़्यादा शुभ हो जाएगी। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, युगादि तिथि कहा जाता है इसको। प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ है। तो मित्रों, इस प्रकार से करके आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। कुष्मांड दान करने से आरोग्यता प्राप्त होगी। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करने से, उसकी परिक्रमा करने से और ब्राह्मण को भोजन कराने से, स्वयं भोजन करने से आरोग्यता के साथ साथ संतान और लक्ष्मी की कामना की भी प्राप्ति होती है। इस अवसर का लाभ अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये समय वर्ष भर में एक बार आता है। मित्रों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, संतोषजनक लगे, तो आगे ज़रूर इसको अग्रसारित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।